नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म कबीर सिंह के पूरे 14 दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने इंडिया में कितने करोड़ का कारोबार किया और फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में क्या कमाई की है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, बात करें अगर कबीर सिंह फिल्म के बारे में, तो दोस्तों कबीर सिंह फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर तीसरे हफ्ते की शुरुआत करने जा रही है। जी हां दोस्तों, 21 जून को रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते पूरे कर ली है और फिल्म अब तीसरे हफ्ते में कदम रखने वाली है। लेकिन दोस्तों, फिल्म तीसरे हफ्ते में कदम रखने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अभी तक ये नई रिलीज फिल्मों को काफ़ी बड़ी टक्कर दे रही है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें कबीर सिंह फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म को डायरेक्ट है संदीप रेड्डी वेंगा ने। वही इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी और निकिता दत्ता। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के बजट के बारे में, तो कबीर सिंह फिल्म का बजट था लगभग 55 करोड़ रुपए। वही दोस्तों, इस फिल्म को पहले हफ्ते में इंडियन मार्केट में रिलीज किया गया था लगभग 3100 स्क्रीन में। वही दोस्तों, फिल्म के पास दूसरे हफ्ते में बची थी 2200 स्क्रीन, यानी कि 2200 स्क्रीन। लेकिन दोस्तों, आज से फिल्म की स्क्रीन और भी कम हो गई है, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते होंगे कि आज से हॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म स्पाइडरमैन रिलीज हो गई है, जिसकी वजह से कबीर सिंह के स्क्रीन काउंट में एक थोड़ा सा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, कबीर सिंह फिल्म आज से सिर्फ 1800 स्क्रीन में चल रही है। अगर बात करें दोस्तों कबीर सिंह फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो कबीर सिंह फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 20 करोड़ 21 लाख रुपये। वही दोस्तों, फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में कमाई की थी इंडिया में 134 करोड़ 42 लाख रुपए। अब अगर बात करें दूसरे हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों कबीर सिंह फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 8वें दिन कमाए थे 12 करोड़ 21 लाख रुपए, 9वें दिन कमाए थे 17 करोड़ 10 लाख रुपए, 10वें दिन फिल्म का कलेक्शन आया था फिर से 17 करोड़ 84 लाख रुपए और 11वें दिन फिल्म ने कमाए थे 9 करोड़ 7 लाख रुपए। वही बात करें 12वें दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म ने 12वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 8 करोड़ 31 लाख रुपए। वही दोस्तों, 13वें दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई रखी और फिल्म ने 13वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए लगभग 7 करोड़ 90 लाख रुपए। वही दोस्तों, अब अगर बात करें हम 14वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14वें दिन से फिल्म की स्क्रीन कम हो चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में भी थोड़ी सी गिरावट आई है और ये फिल्म अपने 14वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, कबीर सिंह फिल्म का जो 14 दिन का इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है, वो हो चुका है 212 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें इस फिल्म के इंडियन ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 250 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म ने इंडियन मार्केट में 200 करोड़ में आंकड़ा पार कर दिया है नेट कलेक्शन का, वही 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है ग्रोस कलेक्शन में। वही दोस्तों, बात करें अगर ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 13 दिनों में ओवरसीज मार्केट में कलेक्शन किया है लगभग 28 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों, कबीर सिंह फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो जाता है, वो हो चुका है 278 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 250 करोड़ से आगे, यानी 278 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर ही ये फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी। अगर दोस्तों आपने फिल्म नहीं देखी, तो इस फिल्म को जरूर देख के आइएगा, क्योंकि अगले हफ्ते जब तक ऋतिक रोशन की सुपर 30 नहीं आ रही, जब तक ये फिल्म चलेगी, उसके बाद शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस से उतर सकती है। इसलिए दोस्तों, इतनी अच्छी फिल्म को आप बिल्कुल ना मिस करें और इस फिल्म को थिएटर में एक बार देख के जरूर आए। और अगर आप ये फिल्म देख के आ गए, तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।